उज्जैन के केंद्रीय जेल भैरवगढ़ और इससे जुड़ी चार उप जेलों के कर्मचारियों के साथ 12 करोड़ रुपए से अधिक का गबन होने का मामला सामने आया है। दरअसल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के 100 से ज्यादा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से करीब 12 करोड़ रुपए का गबन होने पर प्रशासनिक हलके में खासी हलचल है। भैरवगढ़ थाना पुलिस के मुताबिक एस के चतुर्वेदी और उषा कौशल ने भविष्य निधि खाते से रुपए निकालने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। बावजूद इसके चतुर्वेदी के खाते से 12 लाख रुपए तथा उषा के खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। राशि दोनों के बैंक खातों में जमा होने के बजाय अन्य बैंक खातों में जमा होने पर जिला कोषालय ने ये गड़बड़ी पकड़ी। इसके बाद जांच की गई तो सामने आया कि जेल के लेखा विभाग के कर्मचारी रिपू दमन सिंह द्वारा अपने स्वयं तथा दो अन्य बैंक खातों में रुपए जमा करवाए गए और निकाल भी लिए गए। गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद जिला कोषालय अधिकारी सुरेश भांबर ने आरोपित रिपू दमन के खिलाफ भैरवगढ़ पुलिस को शिकायत की। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित रिपू दमन फरार है और पुलिस को उसके घर पर ताला लगा मिला। इस मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि 10 से 12 करोड़ रुपए का ये GPF घोटाला है। एक प्रहरी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कर्मचारी के GPF को बड़ी ही सफाई से अपने खाते में डाल लिया गया है। जब ट्रेजरी से पेमेंट होता है तो अकाउंट नंबर का काम DDO यानी जेल अधीक्षक ही करते हैं। बीते 2.5 साल से ये सब चल रहा था, अब संज्ञान में आया है तो FIR दर्ज करवाई गई है। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन ID का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा ये सारी राशि का गबन किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे जो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनका DPF होता है, जो उनके वेतन से राशि कटती है वो जमा होती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है या पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, बिना किसी के आवेदन दिए स्वयं आवेदन बनाकर और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला आया है। क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR की गई और चूंकि जेल मुख्यालय को से अनुरोध किया गया कि चूंकि इसमें जेल के अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट लग रही है तो उसकी जांच वो वहां से कराए और उन्होंने मुझे बताया है कि जेल की टीम आके जाँच करेगी। इसके साथ साथ चूँकि ट्रेजरी सिस्टम में इस तरह से घोटाला हुआ है, सिस्टम ऐसे फुल प्रूफ है, लेकिन DDO के भूमिका के कारण ये दिक्कत हुई है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मुताबिक इस केस में जेल के अन्य अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है। आरोपित प्रहरी रिपू दमन पिछले 2 साल से यह सब काम कर रहा था, लेकिन बुधवार को एक साथ दो खातों के रुपए एक ही अकाउंट में जाने पर इसकी जानकारी लगी थी। 1-2 दिन में भोपाल से टीम आकर जांच करेगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। 100 खातों से GPF का जो राशि है वो किसी एक खाते में ट्रांसफर हुई और उसका फिर उससे हरण हुआ है और अभी अनुमानित तौर पर ये लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है, उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और उस विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियाँ आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा और उसके बाद फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी अब प्राथमिक, चूँकि हमारे प्राथमिकी दर्ज हुई और उनसे जानकारी एकत्र करना था तो अभी हमारी जानकारी में ये आया है कि वो वहाँ से जेल से गायब हो चुके हैं, पर हम उनको शीघ्र ही ढूंढ के और उनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई करेंगे।